नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। इंडेक्स लेवल पे आज बाजार में कुछ हो ही नहीं रहा है ऐसा लगेगा, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन बहुत ही तगड़ा है। कुछ अपडेट भी देनी है आप सभी को। पहले मैं आपको पूरे बाजार का अपडेट दे देता हूँ। निफ्टी की बात की जाए तो 2 पॉइंट हरे निशान में, सेंसेक्स की बात की जाए तो 30 पॉइंट हरे निशान में, बैंक निफ्टी की बात की जाए तो 35 पॉइंट लाल निशान में है, और मिड कैप इंडेक्स की बात की जाए तो 10 पॉइंट लाल निशान में है, स्मॉल कैप की बात की जाए तो 20 पॉइंट हरे निशान में है। इन सब में अगर टॉप गेनर या टॉप लूजर की बात की जाए तो टॉप गेनर तो बता सकता हूं बट लूजर नहीं, क्योंकि लूजर तो कुछ है ही नहीं ना। टॉप गेनर स्मॉल कैप है, 0.22% की तेजी है, 1/4 या फिर 1/5 कह सकते हैं आप, 0.24% की तेजी है तो 1/4% कह सकते हैं। बाकी किसी इंडेक्स में कोई है ही नहीं मूव, ठीक है जी। अब अगर एडवांस डिक्लाइनिंग रेशियो देखेंगे तो 1204 शेयर्स पॉजिटिव है, 693 शेयर्स नेगेटिव है एनएससी पे। दैट मींस मार्केट ब्रेथ अच्छी है, यानी कि चढ़ने वाले शेयर ज्यादा है गिरने वाले शेयर्स के कंपैरिजन में। स्टॉक स्पेसिफिक बताने से पहले सेक्टर स्पेसिफिक बता दूं, ऑटो सेक्टर एक बार फिर बाजार को लीड कर रहा है, और पीएसयू बैंक सेक्टर जो कंटिन्यू तेजी आ रही थी जहां पे, वहां पे आज हल्की प्रॉफिट बुकिंग है, करेक्शन जो मर्जी कह लीजिए, 0.5% इंडेक्स गिरी हुई है और टॉप लूजर है। बाकी इस दायरे में सारे घूम रहे हैं 0.5% से कमी। आईटी 0.5% नीचे है, पीएसयू बैंक लगभग 0.6% डाउन है, फार्मा 0.3% डाउन है। वहीं टॉप गेनर आज ऑटो इंडेक्स है 0.5% ऊपर, फाइनेंशियल सर्विस 1/4% ऊपर है 0.25%, और निफ्टी मीडिया फ्लैट टू पॉजिटिव है। स्टॉक स्पेसिफिक आ जाता हूं, खबरों वाले शेयर्स में बड़ी तेजी है। स्वान एनर्जी 7% भागता हुआ दिख रहा है, यहाँ पे ऑफर आ रहा है एक, जिसके चलते स्टॉक भागता ही जा रहा है कंटिन्यू, और ऑफर का प्राइस जो रखा गया है वो लगभग 495 रुपीज का है, तो इसके चलते ये स्टॉक भाग रहा है, और अभी 320 पे ये भागने के बावजूद भी, तो इसलिए भाग रहा है। टाटा इन्वेस्टमेंट, ये स्टॉक मैंने आप सभी के साथ 1900-2000 पे शेयर किया था, आज 3000 हो गया है। ये चलेगा मतलब अब तो नहीं कह सकता कुछ, उस समय पूरा टाटा ग्रुप नीचे था, ये भी नीचे था। आपने देखा टाटा मोटर्स कहाँ चला गया, टाइटन कहाँ चला गया, टीसीएस भी 20% रिकवर कर गया, तो टाटा इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं चलेगा, ये तो ईटीएफ है टाटा ग्रुप का, तो ये चलना था जो चलता हुआ दिख रहा है वो आपको। आईबुल रियल एस्टेट 5.5% ऊपर है, एंड बलरामपुर चीनी एक बार फिर सुगर स्टॉक्स में बड़ी तेजी आती हुई दिख रही है, और इसी के साथ 5.5% की शानदार तेजी बलरामपुर चीनी में भी देखने को मिल रही है। गिरने वाले स्टॉक्स में आज एक शेयर ने निवेशकों की जान निकाल दी है, जिसका नाम है डेल्टा कॉर्प। 15% का बड़ा कट है, स्टॉक पूरी तरीके से क्रैश हो गया, और इस पर पर्टिकुलरली पूरी वीडियो लाऊंगा इससे नेक्स्ट, जो कि आपके लिए 11:30 बजे बाजार में अपलोड होगी। तो आपके पास डेल्टा कॉर्प है तो इससे रिलेटेड सारी क्वेरीज अगली वीडियो में सॉल्व कर दूंगा, आप टेंशन फ्री बने रहिए। बट ये शेयर बहुत बुरा टूटा है, इसके पीछे कुछ बड़ा कारण है, और उस कारण को ये जो डेल्टा कॉर्प कंपनी है वो लड़ेगी उससे, कंपनी ने कह दिया है एक्सेप्ट नहीं करेगी। आगे बात की जाए, बर्जर पेंट 6% टूटता हुआ दिख रहा है, रिसेंटली बोनस वगैरह इशू हुआ था तो फिर भागा, भी नीचे आ रहा है, एडजस्ट हो रहा है। ब्राइटकॉम ग्रुप एक बार फिर लोअर सर्किट लगा दिया है, नजारा टेक भी डेल्टा कॉर्प के चपेट में आता हुआ दिख रहा है, और लगभग 4% नीचे है, क्योंकि गेमिंग में ये भी है। KSB 3.5% नीचे। बजाज फाइनेंस में बड़ी ब्रोकरेज हाउसेज बुलिश होते हुए दिख रहे हैं, और सबसे बड़ा टारगेट 9,500 का आया है, जिसके चलते आज शेयर भागता हुआ दिख रहा है, 4% ऊपर है, ऑलमोस्ट 7,800 पे आ रहा है, और कंपनी फंड रेजिंग करने वाली है, इसी के चलते स्टॉक भाग रहा है, और इसी के चलते ब्रोकरेज हाउस ने इसे अपग्रेड करा है, क्योंकि जब जब कंपनी ने इतिहास में फंड रेज करा है बड़ी ग्रोथ दिखती है कंपनी को, और फिर जब बड़ी ग्रोथ दिखती है तो फंड रेज करती है कंपनी, और उस फंड का ग्रोथ में इस्तेमाल करती है, जिससे निवेशकों की वैल्यू बनती है, तो ये हिस्ट्री कहती आई है। HDFC बैंक आज कहीं ना कहीं वापस मोमेंटम में कोशिश कर रहा है आने की, अभी तो 1/3% ऊपर है बट ठीक है। रिलायंस अभी भी कमजोर ही है, लगभग 0.5% नीचे, और मारुति भाग रहा है, आपसे कहा था हमने 9,300 पे, अभी 10,600 हो गया है। IRFC में संभलता हुआ दिख रहा है, 2.5% ऊपर है ये स्टॉक आज के सेशन में आपके लिए। निफ्टी की बात की जाए तो 32 शेयर्स नेगेटिव है, जिसको लीड कर रहा है SBI लाइफ, LNT, इन्फोसिस, BPCL, और तेजी को लीड कर रहा है बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, एशियन पेंट, मारुति। अब मैं आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट शेयर करता हूं। कल मैंने एक वीडियो शूट करी थी कि 9 वंदे भारत ट्रेन लॉन्च, IRCTC को बड़ा मुनाफा होगा, बाकी की रेलवे को भी हो गई होगा। अब जो ये ट्रेन लॉन्च हो गई है, इनमें कंस्ट्रक्शन का काम नहीं है, इनमें कुछ काम नहीं है, ये तो लॉन्च हो गई है, अब तो पैसेंजर आएंगे और ट्रेवल करेंगे। पैसेंजर आएंगे कैसे, टिकट बुक करके,
तो टिकट कहाँ बुक होगी आईआरसीटीसी। इसीलिए मैंने कहा था कि आईआरसीटीसी को भी रडार पे रखना है कल के लिए। आज शेयर देखिए आपके लिए लगभग लगभग 681 पे 2.5% से ज्यादा की तेजी देखने को मिल रही है, और ओपन जहां हुआ वहां से तेजी आई है, अच्छी बात यह, जो ओपन था वही लो है आज का, बाकी ठीक है। अब यहां से और ऊपर जाएगा, 710 रुपए तक दिखता है टारगेट, पोजिशनली इन्वेस्टर्स बने रहे, बाकी इन्वेस्टर्स को तो बेचना ही क्यों है ये स्टॉक को। आगे भी और वंदे भारत ट्रेन आएंगी जिससे और कंपनीज को मुनाफा होगा, जो बनाने का काम करती हैं, जो मैन्युफैक्चर करती हैं, पटरियां बिछेंगी, डब्बे बनेंगे, इंजन लगेगा एंड ऑल दैट, तो वो सारी चीजें आगे, लेकिन अभी तो बनके तैयार हो गई थी, तो फिर वो ट्रेन की टिकट बुकिंग को ज्यादा फायदा होना था, इसीलिए आप देख रहे हैं आईआरसीटीसी आज बड़ा कमाल करता हुआ दिख रहा है। अब यहाँ पे और कुछ स्टॉक्स हैं जो आज के सेशन में खबरों में, उनके बारे में बात कर लूं। श्री सीमेंट ने कहा है कंपनी अप्रूव्स रेजिंग अप टू 7 बिलियन विया बॉन्ड्स, लगभग 700 करोड़ रुपए जुटाने वाली है कंपनी बॉन्ड्स के द्वारा, तो ये एक अपडेट आ रही है। और बॉन्ड्स में कैसे निवेश करना है मैं ऑलरेडी बता चुका हूं आप सभी को कल के सेशन में, तो बॉन्ड्स एक आपके लिए सेफ इन्वेस्टमेंट होती है, वहां जरूर ध्यान दें। ग्रेजिम ये भी स्टॉक जो फोकस में है, काफी सारे स्टॉक है जो फोकस में देखने को मिल रहे हैं आपको, तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही, अगली वीडियो में स्टॉक स्पेसिफिक बात करेंगे और सबसे पहले डेल्टा को आपको समझेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।